हाँ जी बेटा, अगेन हम लोग जो है टुडे वी विल डू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन फॉर डिफरेंट कॉनिक्स। ओके, हमें आइडेंटिफाई भी करना है कॉनिक्स और हमें उसका वो भी चीज करना है। तो बेटा उसके लिए बेटा देखिए मेरे पास जो है क्वेश्चन क्या दिया है। लेट अस सी, फाइंड द असेंट्रिसिटी, फाइंड द असेंट्रिसिटी सेंटर वर्टेक्स जो है और फोकस माइनर जो है मेरे पास दे राइट हियर माइनर एंड मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस ठीक है और मेजर एक्सिस ओके एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो है इट इज रिटन हियर एंड लेटेस्ट रेक्टम ओके ऑफ द गिवन कॉनिक्स। बाय आइडेंटिफाइंग द कॉनिक्स हमें चेक करना है कि ये ओके बेटा। अब मेरे पास जो है सबसे पहले तो मैं 100% ये देख के बता सकती हूँ ये या तो इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट सेम नहीं है तो ये सर्कल नहीं हो सकता। ओके, और दूसरी बात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट है तो ये पैराबोला नहीं हो सकता। ठीक है, अब मेरे पास 100% यहाँ पर मुझे ये पता चल गया ये इलिप्स या हाइपरबोला में से कोई है। तो अब यहाँ पर दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साइन एक जैसे हैं। मैंने ये कल बात बताई थी बोथ आर हैविंग द सेम साइन, तो दैट मींस यहाँ पर मेरे पास ये इलिप्स ही है। अब देखना ये कि ये इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है जी, तो बिफोर दैट अब मुझे ये पता चल गया कि ये इलिप्स है तो अब हम चेक करते हैं ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। उसके लिए बेटा हाँ जी, मेरे पास 25x2, मैंने कहा था कि x2 और x वाली टर्म ये मैंने कंबाइन कर ओके। उसके बाद y2 और y वाली टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म मैं उधर लेती ओके। सबसे पहला काम है कंप्लीट स्केयरिंग करना, सबसे पहला काम ठीक है ना। उसके लिए बेटा कोशिश करो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो है वो 1 बना लो, अगर बना सकते हो। नहीं बना सकते तो वो कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं होती है, बट पहला बेटर यही होता है कि हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो है वो 1 बना दे। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 बनाने के लिए जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया अंदर मेरे पास 2 है, अगर मैं देखूं तो क्या बचा बेटा, देखिए 5 और 5 चला गया 6 बचा, 6x इज लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही यहां पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मेरे पास ये बचे ओके। अब हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब मैंने बेटा 6 का हाफ किया तो 3 आया। ठीक है बेटा, अब 3 का स्क्वायर ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर 9 मैंने यहां पर अंदर ऐड किया, पर बेसिकली बेटा ये कितना ऐड हुआ क्योंकि 25 बाहर था, 25 × 9 अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है ये 225 ऐड हुआ, यानी दूसरी साइड पे भी मैं 225 लिखूंगी। ओके जी क्लियर। अब यहां पर कॉफिशियंट ऑफ वाई यहां पर कितना है, -10 है ना, इसका हाफ किया 5 का स्क्वायर 25 मैंने अंदर ऐड किया, बेसिकली ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 225, तो यहां पर मैं 225 ऐड करूंगी। ये बात सबको क्लियर हो गई मैंने कैसे किया। ठीक है जी, अब ये क्लियर कर 25x-3 का होल स्क्वायर 9, y-5 का होल स्क्वायर। अब देखिए
मेरे पास 25 25 कट गया, 2 2 5 कैंसल हो गया, ये 2 2 5 यहाँ बचा। अब इलिप्स में कांस्टेंट टर्म 1 होती है, ओके, तो 2 2 5 से मैंने दोनों तरफ बेटा डिवाइड कर दिया, ओके जी। अब जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास यहां पर बेटा जब डिवाइड किया तो 25 को इससे डिवाइड करो तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 9, ओके। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली, वेट, हाँ जी। अब नेक्स्ट जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा, 25, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये कैसे शेप में आ गई, कैसी फॉर्म में आ गई, अगर मैं देखूं तो x स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर y स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड इलिप्स की फॉर्म में आ गई। अब यहां से जज कर सकते हो कि ये कैसा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल के इलिप्स, हु इज एबल टू टेल मी कैसा इलिप्स है। यस यस यशिका, यस यशिका बेटा बताइए। मैम वर्टिकल इलिप्स। वेरी गुड, दिस इज वर्टिकल इलिप्स। ये कब इस फॉर्म में आया, जब मैंने कैपिटल एक्स को एक्स माइनस 3 पुट किया और कैपिटल वाई को वाई माइनस 5 पुट किया, तभी ऐसी फॉर्म में आया, क्लियर कट है, इट इज अ वर्टिकल इलिप्स, ठीक है जी, क्लियर। अब मुझे ये जजमेंट होगी कि ये वर्टिकल इलिप्स है, मेरा काम खत्म हो गया और मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने किसको क्या पुट किया। अब जो जो कैलकुलेट करना है अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और बाकी तो हमें कुछ नहीं चाहिए ना, यहां तक हमें जज करने का 1 नंबर मिल जाता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये या 5 के, ठीक है। तो पहला काम हमें कहा गया था असेंट्रिसिटी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में करेंगे हमारे लिए इजी हो जाता है, ये अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस, ओके, ये क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड और ये ओल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, सबसे पहले जो है मैं असेंट्रिसिटी ई, अगर ये वर्टिकल इलिप्स है तो बेटा असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, किया हुआ ना हमने, आप टेबल में देख सकते हो, तो आई कैन राइट हियर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंडर रूट 1 माइनस, यहां पर ए की वैल्यू आपको पता है 3 है, बी की वैल्यू भी 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, तो दैट मींस अंडर रूट, अब ये 25 माइनस 9 16 बाय 25 4 बाय 5, आप चेक भी कर लो दिस इज लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 है तो 100% एलिप्स का ही होता है ना, आपको अपनी गलती पता लग सकती थी, अगर एसेंट्रिसिटी कुछ और आती, ग्रेटर देन 1 आती तो आपको पता चल जाता हमने कोई ना कोई गलती की, ओके जी, क्लियर। तो एसेंट्रिसिटी जो चाहे न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंगली निकालो या ओल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंगली निकालो, दैट विल रिमेन सेम, मैंने आपको कहा था लेंथ हो तो वो भी सेम रहता है, तो एसेंट्रिसिटी एक रेशियो है तो वो भी सेम ही रहेगी 4/5, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं कर, ओके, असेंट्रिसिटी आ गई। उसके बाद सेकंड हमने कैलकुलेट करना था सेंटर ऑफ ए कोन, जो है कॉनिक्स, सेंटर मतलब यहाँ पर एलिप्स का मेरे पास। अच्छा आप मुझे बताइए कि नॉर्मली सेंटर क्या होता है ना, सेंटर हमारे पास जो है, यस दिव्यांशी, सेंटर क्या होता है हमारे पास, एक मैम 0 0, वेरी गुड, 0 0। तो अब बेटा हम लोग जो है, अभे अनम्यूट योर सेल बेटा, अभे 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 अनम्यूट योर सेल बेटा, ओके, आर्यमन आर्यमन अनम्यूट योर सेल, हाँ जी आर्यमन, अगर सेंटर हमारा 0 0 है, हम कोल्ड का कैसे निकालेंगे,
ना सेंटर इलिप्स का सेंटर 0 0 होता है, मुझे पता है एक्सटेंडेड इलिप्स का, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? आर्यमन यस कैसे किया था हमने, कल किया था ना शिफ्टिंग द ओरिजिन पैराबोला में। ओके अभय वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, यस अभय? यस मैम, वो एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 करके उसकी वैल्यू डाल दो एक्स। वेरी गुड, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, ये कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 है, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है और कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, तो ये 3.5 ये मेरे पास आ गया। क्लियर, बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। मेरे पास ओके नेक्स्ट मुझे कहा गया था कि वर्टेक्स निकालिए। अब मेरे पास जो है वर्टिकल इलिप्स के जो है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट किया करो। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। हर्ष मुझे बताइए बेटा कि वर्टिसेस क्या होते हैं एक वर्टिकल एलिप्स के? जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। वेरी गुड, 0, प्लस माइनस बी। पहले फॉर्मूला जरूर लिखो ताकि आपको पता चले। अब ये 0, प्लस माइनस बी और बी की वैल्यू हमने 5 कैलकुलेट की, बिल्कुल हर्षवर्धन ने करेक्ट बताया, यानी एक्स की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 बार 5, दूसरा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5, अलग अलग केस बना देंगे। अब 100% है, जब मैं कैपिटल x की जगह x की माइनस x माइनस 3 पुट करूंगी 0, ये तो दोनों में ही आना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने एक बार लिया कैपिटल y, y माइनस 5 इक्वल टू 5, तो ये y की वैल्यू 10 आ गई, लेकिन जब मैंने y माइनस 5 माइनस y के इक्वल लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 3.10 और 3.0। देखो दोनों में डिफरेंस। ओके जी, बात समझ आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को लगा ना? दैट इज क्वाइट इजी टू डू दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट बेटा, और मुझे क्या निकालने को कहा था? फोकस है ना, हु विल टेल मी फोकस मेरे पास क्या होंगे? असीस, असीस रेज योर हैंड बेटा। वेट वेट वेट, यस असीस अनम्यूट योर सेल्फ नाउ। असीस अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। असीस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? एक्स टाइम 0 को 0, प्लस माइनस बी। वेरी गुड वेरी गुड, 0, प्लस माइनस बी। यहाँ पर मेरे पास है, बिल्कुल करेक्ट बताया असीस ने, तो 0, प्लस माइनस बी, बी इज 5 और असेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो 4/5 था, तो वी विल राइट 4/5, तो ये कट गया, तो 0, प्लस माइनस 4 आए। अब सेम इसके भी केसेस ऐसे, x तो 0 ही रहना है, तो दैट मींस x माइनस 3, दोनों केसेस में x माइनस 3 0 और y की वैल्यू यानी y माइनस 5 इक्वल टू 4 और y माइनस 5 जो है इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू 9 और मेरे पास हुआ है y की वैल्यू जो है +1, तो यानी कोऑर्डिनेट्स ऐसे जरूर लिखने, 0, 9 और सॉरी 3, ओके 3.9 और इधर 3.1। ओके बेटा सबको बात क्लियर होगी? चलिए अब आप ऐसा कीजिए, नेक्स्ट मुझे बोला गया माइनर एक्सेस, जल्दी जल्दी सारे जरा माइनर एक्सेस निकाल के कॉपी मुझे शो कीजिए। ठीक है, यस काव्य, यस काव्य बेटा। मैम 2b 10 आ जाएगा, 2 × 5। नहीं नहीं बेटा, मैंने लेंथ नहीं पूछी है, अगर मैंने मेजर एक्सिस की लेंथ पूछी होती ना तो मैं लिखती लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पर मेजर एक्सिस की
इक्वेशन की बात हो रही है, आपको इक्वेशन लिखनी है, लेंथ नहीं लिखनी। ओके, तो मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होता है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक है बेटा, क्लियर, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? ओके, मन्नत, मन्नत अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। यस मैम। मन्नत, माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बेटा? एक्स इज इक्वल टू जीरो। और क्या एक्स इज इक्वल टू जीरो? माइनर एक्सिस बेटा, वर्टिकल एलिप्स है मन्नत, वर्टिकल। अच्छा, वाई इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तो वो मेरे पास x एक्सिस होगी ना, तो x एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर मतलब? y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टर्न मेरे पास हो गए। चिराग ने ज्वाइन प्रॉपरली नहीं किया। ओके, श्रेया, श्रेया अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ जी श्रेया, मुझे बताओ नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या इक्वेशन होती है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की? जल्दी जल्दी टेबल निकाल लिया, देखिए जहां हमने किया, मैंने सेंड किया था आपको टेबल, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ई, किया था कि नहीं, है ना? Yes, यही किया था। यस मैम। है ना, तो फिर बेटा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू मेरे पास टू है प्लस माइनस बी बाय ई, पुट ऑल द वैल्यू। अच्छा कैपिटल y होना यहाँ पर, ओके, फिर ही हम कैपिटल y की जगह पे हम y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू हमने 5 ली थी, e की वैल्यू 4 बाय 5, तो ऑब्वियस है 5 ऊपर गया तो ये 25 हो गया, है ना? एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएंगी। ओके, यस, ठीक है जी, सबको बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? अब है ना लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है ना, उसकी हम इक्वेशन बहुत रेयर पूछते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है क्या होती है, 2a² / b, वो तो चाहे ओल्ड एक्सिस का लो चाहे न्यू का, लेंथ विल रिमेन सेम, तो 100% जो है आंसर कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए, 2a² / b कितना आंसर आ रहा बेटा? जल्दी जल्दी, हाँ जी रिद्धि, यस बेटा, क्या आंसर आया? मैम 18/5। बिल्कुल करेक्ट है, 18/5 इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का सारा कुछ हमने इवैल्यूएट कर लिया, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड विद शिफ्टिंग टू ओरिजिन। ठीक है, तो देखते हैं कि आर यू एबल टू डिटेक्ट, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आई विल राइट वन क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड ऑल ऑफ यू डू इट साइड बाय साइड, आई कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि ये कैसे करना है या क्या करना। ओके, फाइंड एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज निकालनी है, एसेंट्रिसिटी, देन सेंटर, वर्टेक्स, जो भी उस कॉनिक के रिलेटेड होगा, you have to calculate that quantity, okay? तो मेरे पास जो है अब यहाँ पर क्या होगा, let us, हाँ जी, write the equation, x² - 2y² - 2x + 8y, okay? -1 equal to 0. Wait, I will show you. लीजिए, calculate, firstly identify the conics.
जल्दी जल्दी कॉनिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, जल्दी बेटा। फर्स्ट वर्क इज टू आइडेंटिफाई द कॉनिक्स, जल्दी बेटा। ओके समृद्धि टर्न इज देयर, यस समृद्धि। हाइपरबोला, हाइपरबोला तो है, कैसे पता चला मैम? बिकॉज इट्स का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। और दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बोथ आर प्रेजेंट, वेरी गुड समृद्धि। चलो अब हाइपरबोला बता दिया, बट कैसा है, सिंपल है या कॉन्जुगेट हाइपर? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हाइपर। ओके नहीं नहीं सिंपल 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 सिंपल, सोच लीजिए बेटा, है ना? पहले पक्का सिंपल है, सिंपल है। चलो आप पहले करके देखिए, देखिए करके देखिए, जल्दी 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 कैलकुलेट करके देखिए कि ये कैसे मेरे पास हो गए। हाइपरबोला है, आई हैव गिवन यू द टाइम, सब करके देखो जल्दी जल्दी। ऑल ऑफ यू कैलकुलेट इट एंड चेक इट, क्योंकि समृद्धि ने एक बार कहा कि मैम ये सिंपल है, एक बार कहा कि मैम कॉन्जुगेट है। आई हैव गिवन यू द टाइम टू चेक इट, तब तक मैं भी ब्लैकबोर्ड पे कर दूं तो हम देखते हैं आपका और मेरा मैच करता है कि नहीं। लेट अस सी, चेक इट केयरफुली। अब चेक कीजिए क्या आपका और मेरा सेम मैच कर रहा है। समृद्धि नाउ चेक, नाउ चेक कॉन्जुगेट, बिल्कुल, क्योंकि एक्स के आगे नेगेटिव आ गया। देखिए ये जो माइनस सिक्स है ये हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो एक्स क्वांटिटी के आगे नेगेटिव आ गया, तो ये कॉन्जुगेट जो है हाइपरबोला, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या थर्ड स्टेप एक्सप्लेन कर दो। ओके थर्ड स्टेप कुछ भी नहीं किया, देखो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई समृद्धि मैंने किया, तो ये फोर का हाफ टू, टू का स्केयर ऐड किया, और इधर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, टू से डिवाइड करें तो वन बचा, वन का स्केयर इधर ऐड किया। इधर तो बाहर कुछ भी नहीं लिया था, बट इधर बाहर था मेरे पास माइनस टू, यानी अगर मैं ओपन करूं तो टू टू का फोर, फोर माइनस टू माइनस एट, अगर माइनस एट इस तरफ ऐड किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, वन इधर ऐड किया तो वन इधर भी करना पड़ेगा। ओके समृद्धि क्लियर? समृद्धि और किसी को कोई डाउट? चलो अब सब कुछ निकालिए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी टर्न बाय टर्न। चलो मैं बताती हूँ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कीजिए, सारे बच्चे एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करके बताइए मुझे जल्दी जल्दी। लेट अस सी कि हाउ मेनी ऑफ यू एंड रेज योर हैंड दैट यू हैव कैलकुलेटेड इट। ओके अभय डन, वेरी गुड, यस अभय। What is the value of eccentricity here? हाँ जी? Root 3. Very good. Root 3. Very good. Formula use कीजिए सारे बच्चे. 1 plus b square by a square. A और b आपके पास है. Very good अबे. Now the next. Calculate center. Calculate center. जल्दी जल्दी. और सारे बच्चे रेज हैंड करें जल्दी। सेंटर अर्शदीप इट्स योर टर्न। मैम
हाँ जी बेटा बताइए मैम, हम x और y को जीरो के इक्वल ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, तो लो जीरो जीरो इक्वल करके बताइए कितना। मैं बिना कैलकुलेट किए कर सकती हूँ अर्शदीप, आपने बिल्कुल सही बताया कि सेंटर जीरो जीरो होता है, तो अगर आप x माइनस वन को जीरो पुट करोगे x की वैल्यू वन और y माइनस टू को, आपको याद है मैंने इक्वेशन भी बताई थी ऐसे माइनस एक्स माइनस एच वाई ए स्क्वायर जो है स्क्वायर प्लस y माइनस के बी स्क्वायर, तो इसका जो सेंटर है ना वो एच कॉमा के, यहाँ पर भी तो पता चल रहा है वन टू सीधा ही है ना अश्लील, पता चल है ना सीधा, मैनुअली करके थोड़ा सोचा करो कि अगर मैं सहनशीलता का पॉइंट लिख सकते हैं क्या क्या कैसे बेटा सहनशीलता मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, हु इज एबल टू स्पीक। ठीक है जी, सेंटर हो गया सबका 1,2। नाउ कैलकुलेट बेटा वर्टिसेस, जल्दी जल्दी कैलकुलेट द वर्टिसेस ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जल्दी जपन, नाउ इट्स योर टर्न, बी रेडी फॉर दैट। जल्दी बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, और जिस बच्चे ने कर लिया है वो रेज हैंड कीजिए। वैसे जपन ज्योत की टर्न है अब, मैम एक्स तो आएगा वन और हमारा वाई आएगा एक बार फाइव और एक बार माइनस वन। वाई एक बार, नो नो नो, चेक इट फाइव बेटा, चेक इट केयरफुली, रूट थ्री सेंट्रिसिटी भी तो हम करते हैं ना। वर्टिसेस, अच्छा बी आया आपका, बी कितना आया मैम, वर्टिसेस है ना। हाँ हाँ सॉरी मैम, बी थ्री हो गया बेटा, बी थ्री नहीं आ रहा, बी रूट थ्री आ रहा है, चेक कीजिए, आपके पास नीचे थ्री बचा था वो बी स्क्वायर की वैल्यू थी। यस मैम यस, रूट थ्री, तो बी की वैल्यू रूट थ्री आ गई ना। ओके यस मैम, है ना, तो दैट मीन्स हमारी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आए, एक आया 1,2 प्लस माइनस रूट थ्री, 1,2 प्लस माइनस रूट थ्री। ओके बेटा जपन क्लियर? यस मैम। ओके यस मैम यस। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, गुरसीरत गुरसीरत अनम्यूट योर सेल, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बेटा। यस मैम, क्या वैल्यू आएगी बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की? मैम अभी कर रहा हूँ, एक मिनट। फॉर्मूले लर्न नहीं किए बेटा? फॉर्मूले लर्न, फॉर्मूला तो याद है। हाँ बताइए क्या होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्या होता है बेटा? 2b स्क्वायर बाय, नो उल्टा बोल रहे, 2a स्क्वायर बाय b होता है बेटा। ओके क्लियर? यस मैम। दिव्यांशी से पूछ लेते हैं, शी हैज डन। यस दिव्यांशी, दिव्यांशी चलिए अभय से पूछ लेते हैं, अभय बताइए बेटा। मैम 4√3 आंसर, 4√3 बिल्कुल करेक्ट है, लेटेस्ट रेक्टम का आंसर 4√3 है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, फोकस वगैरह जो भी बाकी क्वांटिटीज है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, वर्टिसेस हमारे हो गए, फोकस आप कैलकुलेट कीजिए ठीक है, और वो हम आंसर में लिख सकते हैं। दिस कंप्लीट्स योर दिस चैप्टर बेटा, कॉनिक्स। Okay, and we will start with now probability tomorrow. Be ready for that. Okay, till then, goodbye and take care, beta.